मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब तक चलेगा ये सब। ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं डैड, जबकि ये बात तो हमें आपसे पूछनी चाहिए ना। देखो बेटा, इतना हाइपर मत हो, जो भी हैं हम एक फैमिली हैं। अरे आप लोग डिनर कर रहे हैं, मुझे बुलाया नहीं, मैं तो रूम में ही थी। वाह यमी लग रहा है खाना तो, पास करेंगे। निहारिका देखो देखो, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं विजय, क्या समझने की कोशिश करूं? विजय 1.5 साल हो चुका है, कितना इंतजार करूं? हाँ ये सब करना था तो ये सगाई क्यों की? क्यों दी अंगूठी मुझे, तोड़ दो ना सगाई। शट अप निहारिका, ये क्या बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था मुझे थोड़ा और वक्त दो करके। उनको खाने पे भी नहीं बुलाया। अरे लेकिन चुपचाप बैठ के हम सब लोगों को खाना खा लेते तो क्या भी कर जाते हैं? ऐसे उनके सामने उठ के जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और डैड उन्होंने क्या बिगाड़ा यार, उनको तो कम से कम उनको तो छोड़ दो यार। समझ में नहीं आता कि ये घर की चिड़ियाघर है। अच्छा तो अगर ये चिड़ियाघर लगता है तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? किसी ने बांध के रखा है तुम्हें? एक तो मेरे पापा के पैसों पर पल रहे हो तुम और ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, पर जीव में प्रॉब्लम होती रहती है तुम्हें तो, पता नहीं क्या चाहते। शिवानी तुम समझती क्यों नहीं हो यार, एक बात को तो तुमको गुस्सा क्यों आता है? बात हाँ बोल, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो लेकिन अब इन दोनों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगता है ये तमाशा मुझे ही खत्म करना होगा। समाज में रहकर जीवन जीने के कुछ नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, जिनकी ना तो कोई किताब है और ना हम ये जानते हैं कि उन्हें किसने बनाया होगा, लेकिन फिर भी हम उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। ये उसूल, ये नियम उस डोर की तरह से होते हैं जो हम इंसानों को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को बांधे रखते हैं, हमें निरंकुश होकर बिखरने से बचाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस बंधन में हमारा दम घुटने लगता है, उसूल गलत लगने लगते हैं, नियम जिंदगी को बांधने की बजाय उसकी बर्बादी की वजह बनते नजर आते हैं। और एक सवाल जहन में बार बार उठता है कि नियम जिंदगी के लिए हैं या फिर जिंदगी नियमों की भेंट चढ़ जाने के लिए है? और जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वही होता है जो देश की राजधानी में रहने वाले रिटायर्ड IRS ऑफिसर विजेंद्र सिंह भल्ला और उनके परिवार में हुआ। जी हाँ मैं हूँ, मैंने आपको कॉल किया था, ये मेरे पापा विजेंद्र भल्ला। तलाशी लो पूरे घर की। आप इधर आइए। ये बाकी लोग कौन है? ये मेरी छोटी बहन आरती, पति अमल और भाई कुलबीर। यहाँ पर ये पिल्लो क्यों पड़ा? ये यहाँ सोते थे क्या? इनका अपना कमरा नहीं है कोई? इनका कमरा है लेकिन कुछ हफ्ते से वो यहीं पर सो रहे थे। कोई खास वजह यहाँ सोने की? क्योंकि कुछ टाइम से इनके रूम में वो सो रही थी। वो कौन? इनकी गर्लफ्रेंड। भल्ला अंकल की लाश देखकर निहारिका जी बेहोश हो गई थी। डैड, पापा,
सबसे पहले लाश को किसने देखा था? जी मैंने। कब? सुबह 7 बजे, जब मैं रोज की तरह अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। उससे पहले आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं। उनकी चीखें या कोई भी आवाज सुनाई दी आप लोगों को? बड़ी अजीब बात है, हॉल में आपके पिता का मर्डर होता है और आपको चीख भी सुनाई नहीं देती। आपके घर से कोई कीमती सामान गायब हुआ? जी नहीं। शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती है साहब, और रात भर बंगले में कोई नहीं घुसा, हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं साहब। तुम्हारे अलावा घर में और कोई काम करता है क्या? एक नौकरानी आती है तनुजा, 11 बजे आती है और 4 बजे चली जाती है साहब। अपना नाम नंबर और पता कांस्टेबल के रजिस्टर में लिखवा दो। जी सर। सर, सर मैंने बंगलो पूरी अच्छी तरीके से चेक किया, फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं, पीछे से भी एंट्री करना बहुत मुश्किल है सर। यह इनसाइड जॉब है मिश्रा, कोई सामान गायब नहीं हुआ इसका मतलब मामला लूट का नहीं है, फोर्स एंट्री नहीं है इसका मतलब कातिल या तो घर से ही है या घर वालों की मदद से घर के अंदर घुसा होगा। और बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि किसी तेज धार हथियार से मारा होगा। वैसे भी ये फैमिली कुछ अजीब सी लग रही है मुझे। डैड की गर्लफ्रेंड है, उसी ने मारा मेरे डैड को। इस दावे की कोई खास वजह? जबरदस्ती रह रही थी वो उस घर में, डैड नहीं चाहते थे फिर भी वो यहाँ पर रह रही थी। तुम अमल होगे और तुम शिवानी होगी है ना? पर आप कौन है? लगता है विजय ने तुम लोगों को मेरे बारे में नहीं बताया। मैं निहारिका हूँ, मैं तुम्हारे पापा की मंगेतर हूँ और अब से मैं सबके साथ ही रहने वाली हूँ। लो विजय भी आ गए। निहारिका तुम यहाँ कैसे? डैड आप इन्हें जानते हैं? विजय मैंने इन्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? प्रॉब्लम क्या है विजय? तुम अभी इस वक्त यहाँ से चली जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों विजय, तुम्हें जो कहना है तुम अभी कहो। देखो विजय, मैं यहाँ से कहीं जाने के लिए नहीं आई हूँ। वो इस घर से जाने को तैयार ही नहीं थी और इसी बात पे पापा और उसका झगड़ा हुआ बेडरूम में। फिर पापा बेडरूम से बाहर आए और उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। मुझे 1.5 साल हो चुका है, कितना इंतज़ार करूँ? हाँ तोड़ दो ना सगाई, क्या कर रहे हो ये? दरवाजा खोलो विजय। तो फिर दरवाजा किसने खोला? हम लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुन के वो शोर मचाने लग गए, फिर मेरी छोटी बहन आरती ने दरवाजा खोला। तो अगर वो बेडरूम में बंद थी फिर मर्डर कैसे कर सकती है? ये पता लगाना मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। कुछ खास बात जो आप हमें बताना चाहती हैं इस मर्डर या अपने डैड के बारे में? डैड को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं इस केस से रिलेटेड बात पूछ रहा हूँ, कुछ पता हो तो प्लीज हमें बताइए। नहीं, मैं नींद में थी जब उसने डैड को मारा। किसने? जिसने भी मारा होगा। अच्छा वो जो निहारिका है, क्या तुम्हारे डैड का उससे रात को झगड़ा हुआ था? हाँ सर, रोज झगड़ा होता था। उस औरत की वजह से हमारी सारी फैमिली टेंस थी, तो जबरदस्ती हमारे घर में घुस गई, अब निकलने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो पूरा यकीन है सर, उसी ने मेरे डैड को मारा है। और कोई है जो रेगुलर बेसिस पे आपके घर में आता? और नहीं सर, और तो कोई भी नहीं है। क्यों, आपकी मेड वो रोज नहीं आती? तनु तो सर रोज ही आती है, लेकिन वो हमारे घर में सालों से काम कर रही है। तनु या तनुजा? सर वो किसी पे शक है आपको? हम सब पर शक है सर, सारे लोगों पे, मेरी वाइफ शिवानी, आरती और कुलपीर, तीनों नफरत करते थे सर उनसे, सब चाहते थे कि वो मर जाए, सबको नफरत थी सर। इस नफरत की कोई खास वजह? सबकी अपनी वजह है सर, मेरी वाइफ शिवानी के 50 अफेयर से, आरती ड्रग एडिक्ट है और कुलपीर बाप के पैसों बहस करना चाहता है। इसी बीच निहारिका जी आ गई।
और सबको उनके रिश्ते के बारे में भी पता चल गया था। सब लोग इनसिक्योर हो गए थे सर, ये तीनों के तीनों, कि कहीं प्रॉपर्टी के ऊपर से उनका हक ना चला जाए। सर, निहारिका जी को होश आ गया है। मिस्टर भल्ला से क्या रिश्ता था आपका? इन लोगों ने आपको बताया नहीं मेरा क्या रिश्ता था? बताया, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्यार करते थे हम एक दूसरे से। छह महीने पहले मंगनी हुई थी हमारी। तो आप लोगों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विजय अपने बच्चों की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहते थे। I'm sorry, पर आप तो बिना शादी किए ही इनके साथ इनके घर में रह रही हैं। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ इनके साथ रहने लगूंगी मुझे समझ पाएंगे, मुझे जान पाएंगे, मुझे अपना लेंगे और शादी के लिए हाँ कर देंगे। उससे पहले कि कुछ भी होता। मैंने सुना है आए दिन आपका और मिस्टर भल्ला का झगड़ा होता रहता था। कल रात भी आप दोनों के बीच में ऐसा ही एक झगड़ा हुआ था। हाँ, ये 1.5 साल हो चुका है, कितना इंतजार करूँ। हाँ, ये सब करना था तो ये सगाई क्यों की? क्यों दी ये अंगूठी मुझे? तोड़ दो ना सगाई। निहारिका शट अप, ये क्या बात कर रही हो तुम? वापस ले लो। क्यों आई थी तुम यहाँ पे? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था मुझे और थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे। सर, मौत की सही वजह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी। एक काम करो, इस फैमिली की कंप्लीट इंक्वायरी करो, बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया में इनकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। शिवानी, आरती, कुलबीर, अमल और ये निहारिका, इन पांचों की कुंडली चाहिए मुझे। राइट सर। एक्सक्यूज मी, ये शिवानी भल्ला आपके जिम में आती है ना? आरती भल्ला इसी कॉलेज में पढ़ती है ना? एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। भल्ला फैमिली की मेट तनुजा लापता है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। भल्ला से उसका पता पूछो और जाकर चेक कर। राइट सर। एक मिनट सुनना, जो तनुजा यहाँ पे रहती है आपने देखा इसको? जी नहीं देखा मैंने। ध्यान से याद है आपको? याद है। मिश्रा, साथ साथ पता करो। सर, इस तनुजा के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका और इसके पति दोनों का ही फोन स्विच ऑफ है। सर, इसके पड़ोसियों से बात करके पता चला है कि कुछ दिन पहले कहीं गांव जाने की बात कर रही थी। गांव कहाँ है इसका? हरियाणा के दुजाना गांव की है सर। एक पड़ोसी ने इसका एड्रेस भी दे दिया है। सर, हो सकता है कत्ल इसी ने किया हो, अकेले या फिर अपने पति के साथ मिलकर। कातिल यही है ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस मर्डर से इसका कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। तिवारी सर, तुम इसके गांव जाकर पूछताछ करो। मिश्रा सर, भल्ला फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, हमने भल्ला फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया। अमल ने कुलबीर, शिवानी और आरती के बारे में जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही निकला। शिवानी के 50 अफेयर से, आरती ड्रग एडिक्ट है और कुलबीर बाप के पैसों पे ऐश करना चाहता है। और अमल और निहारिका का बैकग्राउंड? सर, अमल का खुद का और उसके फोन का कॉल रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। सर, विजय उसे काफी पसंद किया करता था और अमल भी विजय की काफी इज्जत किया करता था। रही बात निहारिका की, सर निहारिका के फादर का शराब इंपोर्ट का बिजनेस है, पैसे की कोई कमी नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है कि पैसे की वजह से वो उससे जुड़ी हो। शिवानी, आरती और कुलबीर, इन तीनों से एक एक करके बात करते हैं, देखते हैं हमसे क्या छिपा रहे हैं। अरे कुलबीर, शिवानी, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते हो। अरे पापा ने मुझसे मंगनी की थी, ये मेरा भी घर है। तुमने देखा, इसका मकसद ये घर और ये प्रॉपर्टी था। अब मुझे समझ आया, इसीलिए हमारे पापा को मारा है, इसीलिए आई थी घर पे। और पापा को अगर तुम्हें कोई हम देना ही होता ना, तो तुमसे शादी करके दे देते। 1.5 साल तक तुम्हें घुमाते नहीं, समझी तुम? अब तुम्हें निकलना होगा। तुम्हें
जज्बा समझते क्या हो? मेरे पास बता ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ मैं आग लगा दूंगी, पास बता ना मेरे। ये मेरे बीच का घर, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने गैस ऑन कर दिया, पास बता ना। ओके ओके, हम लोग घूम जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं। देखो इनको अगर कुछ भी हो गया ना, पुलिस हमको नहीं छोड़ेगी। प्लीज देखो, हमको यहाँ से जाना चाहिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज चलो, प्लीज चलो यहाँ से। विजय यानी कि विजेंद्र सिंह भल्ला खुशकिस्मत थे कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें निहारिका का साथ मिला, लेकिन उनके बच्चों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तो क्या उनका और निहारिका का यह रिश्ता उनकी मौत की वजह बना, या फिर उनकी मौत से उनके बच्चों को होने वाला फायदा इसका कारण था? दोनों ही सूरतों में यह सवाल था कि आखिरकार वो कौन था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था। वो शिवानी, कुलबीर या आरती में से कोई एक था, या फिर विजेंद्र सिंह भल्ला के तीनों ही बच्चों ने मिलकर अपने पिता के खिलाफ ये साजिश रची थी, या फिर ये सब भल्ला परिवार की उस घरेलू नौकरानी तनुजा का काम था जो घटना के बाद से ही अपने पति के साथ फरार थी। पुनीत बजाज, निशांत भारद्वाज, सारथी शर्मा, इनको जानती हैं? ये सब आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम हैं। और इन दिनों आप जिसके साथ घूम रही हैं, उसका नाम है प्रशांत सरपाल। मेरी पर्सनल लाइफ का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है या नहीं ये देखना मेरा काम है, आपका काम है पूछे हुए सवालों का सही सही जवाब देना। बताइए, आपके इन अफेयर्स के बारे में आपके डैड को पता था? बोलिए। हाँ, उन्हें पता था। आओ ना। अच्छा। बहुत जल्दी है लगता है। What the hell? अरे क्या है? पापा! बाहर निकल! चल! पापा! पापा चुप कर, तो जानता है ना ये शादीशुदा है, इसके बाद भी तू ये सब कर रहा है? पापा मेरी बात सुन, कुत्ते अंदर चल, निकल! मेरे पापा को ये लगता था कि मैं कैरेक्टरलेस औरत हूँ, मैं मान से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती उससे शादी करने पे मजबूर किया। हो सकता है अपनी इस नफरत के चलते आपने ही अपने डैड को मार दिया। हाँ, नफरत तो मैं उनसे बहुत करती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी उन्हें मारने की, तो बस मैं उनके मरने का इंतजार कर रही थी। तो फिर किसके नाम करने वाले थे अपनी आदि प्रॉपर्टी? जी वो गुस्से में मुंह से निकल गया था। और पीनी है पी लो यार, फर्क नहीं पड़ता मुझे। सर आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। सर लगता है आपके बैंक ने आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया। सर तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जाके दोबारा ट्राई कर। सर बार बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है। शट अप एंड गेट लॉस्ट। हेलो डैड, डैड मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया था और मुझे एक बिल पे करना है, लेकिन मेरा कार्ड डिक्लाइन दिखा रहा है। मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया मतलब? क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए दिया था, या अय्याशी करने के लिए नहीं। डैड तो इंसान मेरे बाप को मारेगा ना, उसके नाम पर मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। जब गुस्से में तुम अपने बाप को मारने की बात कर सकते हो तो मार क्यों नहीं सकते? वैसे भी निहारिका के घर में आने को लेकर काफी गुस्सा था ना तुम अपने बाप से? लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, मैंने उन्हें नहीं मारा, आई स्वेयर सर। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सुनो, तुम्हारी मेट तनुजा वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन से तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था। कहीं उसका और तुम्हारे डैड का कोई झगड़ा हुआ था? कोई अनबन थी उनके बीच? नहीं सर, कोई अनबन नहीं थी, बस डैड उसके काम से खुश नहीं थे और उसे डांटते थे। डैड को सफाई बहुत पसंद थी। तनुजा, ये क्या ये? लगता है आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता। नहीं सर, गलती हो गई, अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ध्यान रखूंगी। ध्यान रखो। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। आरती भल्ला, कौन से ड्रग की लत है तुम्हें और कब से? मैं ड्रग नहीं लेती सर, पता नहीं आपको किसने बोला। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम कॉलेज नहीं जा रही हो, जान सकता हूँ क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा उधार था उन ड्रग पेडलर्स का जो तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे। वो अपने पैसे के लिए तुम्हें प्रेशराइज कर रहे थे जो तुम्हारे पास थे नहीं, इसलिए तुमने कॉलेज जाना छोड़ दिया।
और घर पर जाकर बैठ गई। Look at me when I'm talking to you. तो कैसे चुकाने वाली थी ये उधार तुम? अपने हिस्से की उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो तुम्हारे डैड के मौत के बाद तुम्हारे हाथ लगती है ना। अब बताओ, अपने डैड को तुमने खुद मारा या किसी की मदद ली उनको मारने में? बोलो। मैंने मारा है। आपको लगता है ना दैट आई एम अ मर्डरर? मैंने मारा है। क्या करेंगे, लॉकअप में डालेंगे? डाल दीजिए, आप जो करना चाहते हैं करिए, जान ले लीजिए मेरी। कीजिए ना, कीजिए कीजिए, हाँ कीजिए। अब हमसे मत पूछिए सर, निहारिका से पूछिए। तनुजा और उसका पति यहीं आए ना? अरे क्या बात है साहब, तनुजा ना आई यहाँ, ना ही उसका पति आया। 6 महीने पहले आई थी वो तो आखिरी बार। सर अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या बात है सर? कुछ नहीं, वैसे आप कौन है? माँ हूँ मैं उसकी। ठीक है चलो। हेलो। हाँ तिवारी बोलो। सर मैंने तनुजा की माँ और पड़ोसी से पूछताछ की है, वो दोनों यहाँ पे भी नहीं है सर, किसी ने भी उन्हें आते जाते हुए नहीं देखा। ठीक है, पता लगा उनका। ओके सर। ये तनु और उसके पति का सर्च इंटेंसिफाई करो, न्यूज़पेपर्स में फोटो दो, खबरियों को अलर्ट करो और पोस्टर्स लगवाओ। ओके सर। तुमने बताया ना पुलिस को हमारे बारे में? तुमने उनको ये बोला ना कि तुम्हें हम पे शक है कि हमने डैड को मारा? मुझे पता है कि इसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा और डैड को। इस प्लानिंग के साथ ये सारा का सारा इल्ज़ाम हम पर लगाकर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। क्यों? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं सोचता ना तुम लोगों को प्रॉपर्टी के अलावा, यही ना बस। मैंने तुम तीनों का नाम पुलिस को बताया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें फंसाना चाहता था यार, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता था कि जिस किसी ने भी डैड को मारा है वो पकड़ा जाए। वो तुम्हारे डैड नहीं थे, वो हमारे डैड थे। तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुके हो, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। इस मामले को ठंडा होने दो, उसके बाद अगर मैं तुम्हें सड़क पे ना ला के खड़ा किया तो मेरा नाम भी शिवानी भल्ला नहीं, समझे तुम? शिवानी मिश्रा, हर कोई निहारिका का ही नाम ले, लेकिन सर हमें अभी तक निहारिका के खिलाफ कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। उसके कॉल रिकॉर्ड्स, उसके बैंक डिटेल्स सब क्लियर है सर। सर मुझे तो ये काम उस भाई तनुजा का लगता है, वरना वो इस तरह फरार नहीं होती। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से शरीर पे घाव की वजह से मौत हुई थी। सर जिस हथियार से ये घाव किया गया था वो काफ़ी तेज धार और लंबा रहा होगा। सर ये तो कहना मुश्किल है कि कौन सा हथियार होगा, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद तलवार हो सकती है। तलवार? लेकिन मिश्रा, कातिल तलवार जैसे हथियार का इस्तेमाल क्यों करेगा जो ना तो इतनी आसानी से मिलता है और ना ही उसे कहीं लाना ले जाना आसान होता है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही सर, कि कातिल चाकू जैसी छोटी चीज को छोड़कर तलवार जैसी बड़ी चीज को लेकर निकलने का रिस्क क्यों लेगा? यानी या तो कातिल और तलवार पहले से ही घर में मौजूद थे, या फिर घर में उनका कोई मददगार मौजूद था जिसने उस कातिल को घर के अंदर आने में मदद की और बाद में घर से बाहर जाने में भी मदद की। लेकिन मिश्रा, ये जो कोई भी हो प्रोफेशनल किलर नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि वो तलवारबाजी में माहिर हो या तलवार जैसे हथियार को लेकर कॉन्फिडेंट हो। मिश्रा हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम तनुजा और उसके पति को ढूंढ निकालें। साथ ही साथ ये भी पता करो कि भल्ला फैमिली में कोई तलवार चलाना जानता है, या किसी ने कभी तलवार खरीदी है, या फिर उनका कोई भी रिश्तेदार या दोस्त जिसका तलवार से कोई कनेक्शन है। ओके सर। तलवार? लेकिन मेरे घर में तलवार क्यों होगी? अच्छा मैं बता रही हूँ आपको इंस्पेक्टर, यहाँ पर कोई तलवार नहीं है। कांस्टेबल इधर देखो। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस घर में। कांस्टेबल इधर देखो, अच्छे से देखो। विजेंद्र सिंह भल्ला के कत्ल की धीमी गति से आगे बढ़ती जांच में अचानक एक मोड़ आया। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में मर्डर वेपन के तलवार होने का अंदेशा जताया और इस अंदेशे ने इस केस के फैले हुए जांच के दायरे को समेट कर छोटा कर दिया, क्योंकि तलवार का इस्तेमाल आम नहीं था। हत्या के लिए इस हथियार को वही शख्स चुन सकता है जो इसे चलाना जानता हो या फिर इसे चलाने का आदी हो, यानी कि कोई तलवारबाज।
और अब पुलिस को सिर्फ इस तलवारबाज तक पहुंचना था, जो कि भल्ला परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता था या फिर इस परिवार के किसी सदस्य का कोई साथी। हाँ भाई, इस शहर में जितने भी तलवारबाज हैं या जिनका भी वास्ता तलवार से पड़ता है, उन सबके मुझे नाम चाहिए और वो भी जल्दी। ओके। क्या चल रहा है? मेरा सामान, मेरे कपड़े। क्या है? आप विजय की माँ? दूर हट मेरे से, उधर नीचे। माँ जी, वहां मेरा सामान। मैं कहती हूँ उतर यहाँ से। जो किया सही किया मैंने। आपने? तू भी नहीं बचेगी। तूने मारा ना मेरे बेटे को। माँ जी, मैं भला विजय को क्यों मारूंगी? मैं आपके बेटे से प्यार करती थी। माँ जी, नाटक मत कर तू मेरे सामने भी, और चल यहाँ से। चलो 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 चलो। और खबरदार जो इस दरवाजे पे कदम रखा तो। चल सच सच बता, तलवार और तनुजा कहाँ है? वरना तेरे बदन से चमड़ी उधेड़ दूंगा। कौन सा तलवार साहब? सब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। जिस दिन मैं घर से निकला था साहब, उस दिन तन्नू काम से लौटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है? झूठ। तू और तन्नू साथ में गायब हुए थे। पड़ोसियों को बोल के गए कि गांव जा रहे हो, लेकिन गांव नहीं गए। मोबाइल फोन भी ऑफ थे तुम लोगों के। क्यों साहब? साहब, मैं तन्नू के साथ भागा ही नहीं था, तन्नू को छोड़कर भागा था साहब। साहब, एक दूसरी औरत से मुझे प्यार हो गया था, तो मैंने तन्नू को बिना बोले उस औरत के साथ भाग गया साहब। और उससे बचने के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए साहब। साहब, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। कसम खा के कहता हूँ साहब। मिश्रा सर, इसकी तब तक धुलाई करो जब तक ये तनुजा का पता ना बता दे। ओके सर। साहब, कुलदीप को क्यों नहीं पूछते साहब? क्या बोला? साहब, कुलबीर का तनु के साथ चक्कर चल रहा है। कुलबीर? मिश्रा, इसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करो कि ये जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है कि नहीं। ओके सर। और कुलबीर को बुलाओ जरा थाने पे। राइट सर। पापा, पापा, दूर हट। पापा, तू विजय मर गया ना? वो अच्छा ही हुआ जो वो मर गया, बुरा तो ये हुआ कि उसके साथ तू क्यों नहीं मरी। मेरे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू मेरा घर और मुझे छोड़कर गई थी। चल चल निकल यहाँ से। चल। पापा, मैं कहाँ जाऊंगी आपके बिना? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कौन है पापा? प्लीज जा उस भल्ले के पास, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा, तब तक तू मेरा घर छोड़कर चली जाना, समझी? शक्ल मत दिखाना अपनी। पापा, पापा। सर, मुकेश की गर्लफ्रेंड गौरी से बात, वो सच बोल रहा है, उस दिन वो उसी के साथ था। मतलब इस कुलबीर से ही हमें तनुजा का पता लगाना पड़ेगा। यस सर। तनुजा कहाँ है? मैं आपको कह चुका हूँ ना, मुझे नहीं पता। झूठ बोलता, झूठ बोलता। तेरा और तनुजा का चक्कर था, था कि नहीं? हाँ सर, मेरा और तनु का चक्कर था। तो फिर ये बात तूने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मेरी फैमिली को पता लग जाता सर, मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता लगे, बहुत बदनामी होती सर। एक तो तुम अपने डैड से नफरत करते थे, अपने बाप के पैसे पे अय्याशी करते थे ना तुम, अगर घर से निकल जाते तो सड़क पे आ जाते, इसीलिए अपनी तनुजा के साथ मिलके तुमने अपने बाप को मार दिया है ना, मार दिया ना उनको। और तनुजा से कहा कहीं जाके छिप जाए, जब मामला ठंडा होगा तो तुम उसे वापस बुला लोगे, है ना? यही हुआ था ना? नहीं सर, डैड को तो क्या, किसी को भी हमारे चक्कर के बारे में नहीं पता सर, ना ही मैंने डैड को मारा है और ना ही मुझे पता कि तनुजा कहां पर है। तुमने तनुजा का भी मर्डर कर दिया है ताकि हमें लगे कि वो तुम्हारे डैड का मर्डर करके गायब हो गई है और तुम साफ साफ बचकर निकल जाओ। सर, सर ये कुलबीर, आरती, शिवानी और अमल के दोस्तों और जानने वालों की लिस्ट है। अब इसमें से वो तलवारबाज कौन है जिसकी हमें तलाश है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हम सही सोच रहे हैं कि कातिल भल्ला फैमिली में से कोई एक है तो उसका साथ देने वाला भी इसी में से कोई एक हो सकता है। सुरेश मैनन, इसी से शुरुआत करते हैं। ओके सर। सुरेश,
शिवानी और आरती के जो गड़े मुर्दे हमने अब तक उखाड़े हैं, उससे हमें मर्डर का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं मिला। शिवानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में उसके डैड जान चुके थे और उसे जायदाद से बेदखल करने के बारे में कह रहे थे। आरती के पास उन ड्रग पेडलर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे। उसे एक ही तरीके से पैसे मिल सकते थे, अपने डैड के प्रॉपर्टी से। और कुलबीर का अपनी भाई के साथ अफेयर था। मिस्टर भल्ला की मौत से इन तीनों की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही रही थी, साथ साथ बहुत सारा पैसा और अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी मिल रही थी। हो सकता है सर, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी कभी तलवार को पकड़ा भी होगा। इतना सटीक वार मुश्किल है सर। इस मामले में एक और इंसान तो शामिल है मिश्रा, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस तलवारबाज को ढूंढे कहां से। हेलो, हाँ ओके सर, निहारिका। अभी मैंने फोन रखा ही था और आप लोग आ गए। पढ़ो। प्यारे पापा, मेरा प्यार अधूरा रह गया। विजय की फैमिली ने भी मेरी अच्छाई को नाटक का नाम दिया, और आखिर में जब मैं लौटकर आपके पास आई तो आपने भी मुझसे अपने सारे रिश्ते को नकार दिया। जिंदगी जीने के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा, इसलिए मैं जा रही हूँ, आपकी निहारिका। हाँ सर, ये मैडम को तो मैंने ओखला ब्रिज पे छोड़ा था आधा घंटा पहले। ओखला ब्रिज? जी सर। सर सर, वो औरत। क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? मर जाने दिया होता। आप जानती हैं ना, आत्महत्या करना कानूनन जुर्म है। जानती हूँ, लेकिन मेरे जो हालात हैं उसमें मेरे लिए जीना कितना मुश्किल है। इस बात के लिए हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज अ वार्निंग टू यू, दोबारा ऐसी बेवकूफी वाली हरकत मत कीजिएगा। जा सकती हैं। मिस्टर, सर नजर रखो इस पर। ओके सर। हेलो, हमें ओखला के पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर ठाकुर बोल रहा हूँ। एक लाश मिली है। क्या? सर, आपके थाने से किसी तनुजा नाम की लड़की के फरार होने का अलर्ट आया था, को लगा शायद वही हो। इसकी गर्दन पर भी किसी धारदार हथियार से वार किया गया है मिश्रा, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि यह भी उसी तलवारबाज का काम हो। सर ये तो खाली। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर, तनुजा की गर्दन पे किया गया वार बहुत कुछ वैसा ही है जैसे भल्ला के ऊपर किया गया था, लेकिन सर उसकी लाश के पास से मिला वो खाली पर्स, वो इस कहानी में कहीं फिट नहीं बैठता। सर सर, उसके पर्स में ऐसा क्या रहा होगा जो कातिल चुरा ले गया? ये सोचो कि एक मेड अपने पर्स में क्या क्या रख सकती है। सर कुछ पैसे, बिंदी, लिपस्टिक या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि तनुजा के पर्स में मिस्टर भल्ला के घर की चाबियां। चाबियां? मैं कुछ समझा नहीं सर। तनुजा बरसों से मिस्टर भल्ला के घर में काम करती थी, तो जाहिर है कि उसके पर्स में मिस्टर भल्ला के घर की चाबियों का एक सेट तो होगा ही। मुझे लगता है तनुजा का मर्डर मिस्टर भल्ला के घर की चाबियों के लिए ही हुआ है। क्या? कहाँ? ठीक है, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, हम वहीं आ रहे हैं। ओके सर। कांस्टेबल का फोन था जिसको हमने निहारिका के पीछे लगाया था। देखिए निहारिका जी, हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो आदमी कौन था जिसने आप पर हमला किया। आप जानती थी उसको? देखा था आपने उसको?
मैं तो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, पता नहीं वो आदमी कहाँ से भागते हुए आया, और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो, पहले विजय, फिर तनुजा और अब निहारिका, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। इन तीनों मामलों में हथियार एक ही है, तलवार, और मुझे लगता है कि इन तीनों का हमलावर भी एक ही। हेलो, हाँ, ओके सर, एक इन्फॉर्मेशन है सर, प्रियांशु मित्तल नाम का एक आदमी है, कराटे एकेडमी चलाता है सर, इस एकेडमी में तलवार चलाना भी सिखाया जाता है और ये खुद भी तलवार चलाने में माहिर है। पता लगाओ इस आदमी का भल्ला फैमिली के किस मेंबर से संबंध है। स्टूडेंट्स, क्लास डिसमिस। सिंह, तलाशी लो। सर प्रियांशु, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। ये अकेडमी कितने सालों से चला रहे हैं आप? पिछले 3 सालों से। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ आते हैं या फिर आ चुके, उनके रिकॉर्ड तो होंगे आपके पास? हाँ, रखते हैं। मैं देख सकता हूँ? आइए सर। या जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको लेके थाने पहुँचो। तुम्हारी तलवार तो हमें मिली गई, अब फोरेंसिक से भी ये जल्दी ही पता चल जाएगा कि उसमें फिंगरप्रिंट्स और ब्लड इंप्रेस किसके हैं। तो तुम खुद बोलोगे या हम बुलवाएं? हाँ, मैं नहीं मारा। उसकी मेड को भी। किसके कहने पर मारा? वो चेहरा पसंद थी। और निहारिका पे अटैक क्यों किया तुमने? ऐसे दो दो लोगों की जान ले ली और मजाक लग रहा है तेरे को? मजाक लग रहा है तुझे? हाँ? सर, सर 3 साल पहले शिवानी इस प्रियांशु के एकेडमी की स्टूडेंट थी। सर पूछताछ में पता चला कि शिवानी का इसके साथ भी चक्कर था। तुम्हें तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत थी? तलवार? मुझे तलवार नहीं चलानी आती। झूठ बोल रहे हो। प्रियांशु मित्तल को जानती हो? हाँ जानती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड पुनीत उसकी कराटे एकेडमी में था, हम रिलेशनशिप में थे और पापा के डर से मैंने वो कराटे क्लासेस ज्वाइन की थी। प्रियांशु मित्तल ने मिस्टर भल्ला और तनुजा का कत्ल किया है और उसने ये बात कन्फेस की है। हमें पूरा यकीन है कि वो अकेला नहीं था, असली कातिल तक तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे, इसलिए तुम्हारी अगर कोई भी बात झूठी निकली तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर समझ नहीं आता शिवानी के खिलाफ ऐसा कौन हो सकता है जो प्रियांशु का दोस्त हो और भल्ला का दुश्मन। यह जरूरी नहीं है मिश्रा कि वो उसका कोई दुश्मन ही हो, दोस्त भी तो हो सकता है। पर ऐसा कौन हो सकता है सर? निहारिका। लेकिन सर उसका रिकॉर्ड तो क्लियर है और उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। यही तो सोचने वाली बात है मिश्रा, प्रियांशु एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है, अगर वो एक ही वार में भल्ला और तनुजा दोनों को मार सकता है तो फिर निहारिका के टाइम कैसे चूक गए? यही बात समझ में नहीं आ रही। रूम नंबर 2 में जो पेशेंट थी निहारिका, वो कहाँ गई? वो तो सर आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गई, 2 दिन पहले ही उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और अब वो ठीक है। लेकिन उनका घाव तो इतना गहरा नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती। एक्चुअली सर उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है चेहरे पर और डॉक्टर राहुल जो बहुत ही फेमस कॉस्मेटिक सर्जन है। उन्होंने डॉक्टर आहूजा से अपॉइंटमेंट कब ली? जस्ट अ सेकंड सर, 7 जनवरी को ऑनलाइन बुकिंग हुई थी। सर ये तो मिस्टर भल्ला की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले की डेट है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर निहारिका की फोटो के साथ रेड अलर्ट जारी करो। ओके सर। तिवारी, दिल्ली में हमारे जितने भी खबरी है सबको अलर्ट करो, सबको निहारिका की फोटो सर्कुलेट करो। जानते हो कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है,
इसलिए तुम्हारी भला इसी में है कि तुम सब सच सच बता दो। तुम्हारे ही कहने पे प्रियांशु ने भल्ला को मारा था ना, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं विजय से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी मैं उससे, लेकिन वो समाज और अपने बच्चों के डर से वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। पूरे 1.5 साल इंतजार किया मैंने उसका, फिर मेरी मुलाकात प्रियांशु से हुई। प्यार हो गया था नहीं हरिका से मुझे, लेकिन वो विजय ना तो उसे अपना रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा था। इस बात से वो बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में जी रही थी और ये मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक आखिरी कोशिश की थी अपने प्यार को बचाने के लिए, अपना घर छोड़ कर, अपने डैड से लड़कर मैं उसके घर जा पहुंची। सोचा था वो मेरा साथ देगा, लेकिन वो भी अपने बच्चों की तरह मुझे बेइज्जत करने लगा। तभी मेरा प्यार उसके लिए गहरी नफरत में बदल गया। मैंने सोच लिया मैं विजय को जान से मार दूंगी, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती थी। और तनुजा को क्यों मारा? विजय के घर की चाबियों के लिए? विजय के घर में रहते हुए मैंने चाबियां पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय और उसके बच्चे इतने शातिर थे कि चाबियों को हाथ तक नहीं लगाने दिया उन्होंने मुझे। और तभी मेरी बात तनु से हुई। नहीं, मैं कोई चाबियां नहीं दूंगी। देखो, तुम ये काम फ्री में नहीं कर रही हो। इसके पूरे 50,000 दूंगी मैं। मैंने कह दिया ना, मैं चाबी नहीं दूंगी। उसे हम जाने देते ना तो वो कुलबीर को सब कुछ बता देती। हर इंसान को अपने तरीके से अपनी पसंद से जीने का हक होता है, लेकिन विजेंद्र सिंह भल्ला ने अपने बच्चों को, उनकी चाहतों को समझकर उन्हें सही रास्ता दिखाने की बजाय अपने पिता होने के हक का गलत इस्तेमाल किया और अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाना चाहा जो उन्हें सही लगा। और नतीजा ये हुआ कि जीवन के जिस मोड़ पर उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनके बच्चों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। वो अपने पिता के अकेलेपन को समझ ही नहीं पाए और जीवन में अकेले पड़ चुके मिस्टर भल्ला भी अपने बच्चों और समाज के खिलाफ जाकर निहारिका का हाथ थामने की हिम्मत नहीं दिखा पाए और अपने बच्चों को ना समझ पाने के बाद निहारिका के प्रति अपने फर्ज को ना समझ पाने की वो दूसरी भूल कर बैठे, जिसने निहारिका के सच्चे और गहरे प्यार को उनके लिए नफरत में बदल दिया। जीवन के किस पड़ाव पर की गई हमारी कौन सी भूल कब हमारे सामने आकर हमें सजा देगी, इस बात की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जीवन के नियमों को समझें, उनका पालन करें और अपने उन रिश्तों को कमजोर होने की बजाय मजबूत बनाएं जो हमारे जीवन की असली पूंजी होते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।